स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन गिवन है इफ द एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n. एमथ टर्म मीन्स ये आपको गिवन है 1/n एंड इट्स एनथ टर्म मीन्स ए एन इज आपको गिवन है 1/m. आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है सम ऑफ एम एन टर्म्स क्या होगी. ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले एमथ टर्म मीन्स m, आपको पता है ना ए एम मीन्स क्या होता है आपका ए प्लस एम माइनस वन डॉट डी इक्वल्स टू 1/n. सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डॉट डी इज़ 1/m. ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी. तो यहाँ पे सपोज मैं इक्वेशन वन और टू को एलिमिनेशन मैथड से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, माइनस 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 ये आपका कैंसिल आउट हो चुका है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम माइनस एन माइनस वन, दिस इज एन माइनस वन और डी कॉमन ले लिया जाए, ऐसे ही 1/n माइनस 1/n. तो ये कितना हो जाएगा आपका, यू विल गेट m माइनस n माइनस n प्लस 1 डॉट d और ये हो जाएगा m माइनस n एन एम. ओके, यहाँ कैंसिल आउट हो गया m माइनस n, तो यू नो d की वैल्यू आपको मिली है 1/n/m, 1/n/m. इस d की वैल्यू को आप पुट करिए इधर इन इक्वेशन नंबर वन और टू. ओके, तो पुट d इक्वल्स टू 1/n/m इन एनी इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी में भी एक में पुट कर दीजिए. सपोज मैं फर्स्ट वाले में करती हूँ, तो a प्लस एम माइनस वन डॉट डी इज 1/n/m इक्वल्स टू 1/n है. ओके, तो a प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/n और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस n m इक्वल्स टू 1/n, कैंसिल आउट हुआ तो a की वैल्यू आई है 1/n/m. ओके, a भी आपको मिल गया है. अब देखिए a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. अब क्वेश्चन में सम ऑफ m n टर्म्स है, तो m n टर्म मीन्स m n by 2 2a प्लस n माइन एम एन, इट्स यू नो एम एन है ना, तो एम एन माइनस वन डॉट डी. तो यू नो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो एम एन आपको गिवन है एम एन बाई टू, ए की वैल्यू क्या है 1/n/m, ऐसे ही ये क्या है एम एन माइनस वन और डी भी कितना देर का 1/n/m. सॉल्व कर लें इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका एम एन, इसको पूरे को अंदर भी भेज सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको अंदर भेजते हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ रही वन, ये आपका एम एन कैंसिल आउट हो गया, तो और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ओनली एम एन माइनस वन बाई टू. अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा एम एन एम एन और प्लस वन बाय टू. ओके, तो बेसिकली ये हमारा आया है सम ऑफ एम एन टर्म्स की वैल्यू, दिस वन एम एन प्लस वन बाय टू. ओके, तो आई कैन राइट ये वाला आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है.